भाई दिल से ईद मुबारक सब भाइयों के लिए, मेरी फैमिली मेंबरों के लिए। तो गाइस हम आ चुके हैं भाई अर्जुन के साथ, भाई अर्जुन के साथ और सारे बंदे आप देख सकते हैं पीछे। भाई आया अर्जुन की मौसी के यहाँ पर। तो गाइस हमें यहाँ पर देखो मेंढक मिला है। तो क्या है दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग मिलते हैं और ठीक होंगे? आज का डेली ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, और भाई आज का डेली ब्लॉग शुरू कर रहे हैं भाई 9:30 पे। तो भाई आज का चलो डेली ब्लॉग शुरू करते हैं, आज देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग शो होगा क्या नहीं। और भाई आज भाई मैं यार कितने लोग मुझे समझाने वाले हैं यार, मैं किस किस का नाम लूँ, काफ़ी जने हैं मुझे, मैं जो भी है मतलब जब मेरे 1000 पूरे सब्सक्राइबर जाएंगे तब मैं नाम लूँगा किस किस ने यहाँ तक 1000 तक पहुँचने में मेरी सपोर्ट की है। तो भाई वो भी मतलब दिन जल्दी आने वाला है। और भाई मतलब मैं तो डीमोटिवेट हो ही नहीं सकता, इतने लोग मुझे समझाने वाले हैं। अगर मैं कुछ भी गलती करता हूँ, मुझे मिनट से पहले समझाते थे कि राहुल ये गलती मत कर, अगर तुझे आगे बढ़ना है तो भाई मैं फिर मैं वो गलती करता ही नहीं बिल्कुल भी। अगर हाँ बाई चांस हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो फिर मुझे लोग फिर दोबारा बताते हैं कि राहुल तू देख फिर गलती यही कर रहा है तू। तो भाई ऐसे अगर मेरे पास दोस्त है, मेरे भाई है और भाई मेरी फैमिली मेंबर है, तो मुझे भाई पीछे होने से तो कोई रोक नहीं सकता और तुम्हारा भाई डीमोटिवेट कभी हो नहीं सकता। और भाई आज का डेली ब्लॉग शुरू करते हैं। चलो ठीक है, अभी मैं पी लेता हूँ चाय और भाई अभी देखते क्या बनाया क्या नहीं। मम्मी ने नाश्ता ना, मम्मी क्या बनाया? जवे बना। तो भाई ये मम्मी ने जवे बनाए, तो चलो खाते हैं सुबह 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 और भाई चाय पीते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं भाई अर्जुन के साथ, भाई अर्जुन के साथ और सारे बंदे आप देख सकते हैं पीछे। भाई आया अर्जुन की मौसी के यहाँ पर। ओ भाई लिटरली कितना प्यारा लग रहा है यार, गाय का बच्चा देख रहे हो। तो भाई हम मंडे की भूत नहीं। तो भाई हम यहाँ पर आए भाई अर्जुन की मौसी के यहाँ पर। और भाई यहाँ पर बहुत एक अच्छा वो है। अर्जुन भाई एक बताना क्या है, पारक है ना? पारक भाई पहले से अभी चल रहे हैं, पहले से भाई अभी हमारा भाई मिलेगा, इसके बाद वहाँ मिलेगा वो हमें लेके जाएगा। अभी पहले हम मौसी के घर चल रहे, फिर उसके बाद दिखाएंगे तुम्हें। तो भाई पहले मौसी के यहाँ पर चलते हैं, भूख लग रही है यार, सुबह से कुछ नहीं खाया। तो चलो फिर मन मांग के चलो भाई। अर्जुन केवल और राधा तो आगे चल रहे हैं, सारे दोस्त पीछे है भाई। चश्मा गाइस, हाँ मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। पहले तो भाई गाइस सॉरी, आई एम रियली सॉरी, पहले उठते ही मुझे आपको विश करना चाहिए था। तो हाँ जितने मेरे फ्रेंड है और दोस्त हैं और भाई हैं मेरे, और भाई मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर है भाई, सबको ईद मुबारक। और भाई सब अपने अच्छे से ईद मनाना भाई, और कोई भी लड़ाई झगड़ा मत करना बिल्कुल भी, सबके लिए है कि नहीं? और कुछ कहना चाहेंगे? और भाई भाई दिल से ईद मुबारक सब भाइयों के लिए, मेरी फैमिली मेंबरों के लिए। तो केवल तो आगे चल रहे काफी, तो बोले भाई बोल देते हैं यार है। तो देखते हैं भाई, मजा आने वाला, बहुत ज्यादा वीडियो बने देना गाइस। तो गाइस यहाँ पर सारे बंदे देखो जमा हो चुके हैं भाई अभी यहाँ पर। अभी बता दो भाई, मुझे इन्होंने खाना नहीं खिलाया, बड़े हरामी है। लाइन में लगे हुए, भंडारे की लाइन में लग भी रहा था, मुंह लेना मना कर दिया। कौन से भंडारे की लाइन में भाई? सेमनी बट रही थी वहाँ, सेमनी बट रही थी। कहाँ है, कहाँ है, कौन है? तो गाइज मैं आपको एक टमाटर दिखाता हूँ, देखो कितने प्यारे प्यारे छोटे से टमाटर, अभी तो पेड़ लग रहा है यहाँ पर टमाटरों का। भाई टमाटर तो लिटरली काफी छोटे छोटे क्यूट से टमाटर है भाई। और भाई अभी सारे यहाँ पर चप्पल उतार ले, चले भाई चले। तो चलो भाई मौसी के घर पे चलते हैं, चलो भाई जल्दी फटाफट। तो ये मौसी का लड़का है, देखो साफ सफाई कर रहा है, शाबाश, ऐसी मेहनत करनी चाहिए भाई, घर के लिए काम करना चाहिए। चलो भाई मौसी नमस्ते। फाइनली आ चुके हैं कमरे में भाई, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, अभी बाहर से चल के आया ना इसी वजह से। तो भाई बता, ये मॉडल भाई हैं, तो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर जाएंगे। और भाई यहाँ पर हमारे केवल भाई लेट चुके हैं, काफी थकान हो रही है यहाँ पर। तो गाइज अपनी चाय भाई आ चुके हैं भाई, मौसी काफी अच्छे से लिटरली खातिरदारी कर रही है हमारी। और भाई भाई चाय पीने के लिए ये लाट टपक रही है बंदे की, ये देखो तेरी गजब। हाँ भाई सचिन आजा भाई आजा, चलो चलो चलो। तो भाई चलो, नाश्ता आ चुका है, तो नाश्ता आ चुका है। तो भाई चलो चाय वाय पी के
भाई शुरू भी हो गया है तो ये देखो चश्मे लगा के पीऊं कमेंट में करके बता सकते हैं। हाँ कमेंट में करके बता सकते हैं। और मौसी वाले नमकीन भी ले आई है तो गाइस ये हमारी मौसी हैं। और भाई यहाँ पर तो मौसी घर पे आके काफी अच्छा लग रहा भाई साहब, लिटरली वाइब्स आ रही है काफी अच्छी अच्छी। मौसी नमस्ते। तो गाइस चलो चाय वाय पी लेते अपने। चलो भाई चाय पिए। चलो फिर पीते हैं भाई। काफी ज्यादा अच्छी खातिरदारी करी है मौसी ने भाई हमारी। तो भाई ऐसा लगी नहीं था बिल्कुल भी भाई आप दूसरे के घर पे बैठे हुए लग रहा है। तो भाई कहाँ दुपक गए गाइस? ये भाई है इनसे दुपक रहे थे, हमारे भाई हैं इनसे दुपक रहे थे। तो भाई कहाँ दुपका हुआ है आराम से ये देखो। तो भाई फ्रैंक ये फ्रैंक कर रहा था इन भाई के साथ फ्रैंक कर रहा था ये। तो गाइस हमें यहाँ पर देखो मेंढक मिला है। पहली बार मैं अपने व्लॉग में आपको मेंढक दिखा रहा हूँ। ओए इसको छाल के दिखाऊं? इसको छाल के दिखा। ये अपनी नदी में कूद चुका है। अब देखो अब देखो ऊपर से बैक जंप मारेगा। चलो भाई चलते हैं। तो लिटरली गाइस काफी ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पर लेटने में भाई। ठंडी ठंडी हवा आ रही है एकदम। तो आप सोच रहे हो कहाँ पर लेटा हूँ भाई मैं? तो काफी सीक्रेट जगह है ये, देख सकते हो भाई। भाई बड़ा मजा आ रहा है भाई लेटने में। और तो सचिन पीछे लेटा हुआ भाई। तो भाई सारे भाई आ चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे। और भाई रेस्ट कर लिया काफी ज्यादा। तो अब जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं सारे भाई? जमने जी जा रहे हैं। तो भाई जमने जी जा रहे हैं, वहाँ पर नहाएंगे क्या? तो सारे बंदे देख लो भाई, गर्मी भी काफी हो रही है आपको जैसे कि पता ही होगा। तो ये तो भाई भाई चश्मा वश्मा लेके सब साबुन वाबुन कितने ले रहे हैं भाई? साबुन वाबुन नहीं ले रहे। ठीक है तो भाई चलते हैं फिर जमे जी के पास। ठीक है वहीं मिलता हूँ आपसे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ पर हम आए ना तो ये सामने गली देख रहे हैं ये पूरी दिल्ली है। और भाई ये मेरे पीछे से देख रहे हैं ये पूरी यूपी है। और भाई अभी तक ये देखो चले गए वहाँ पर, क्या कर रहे हैं पता नहीं, ब्लॉग बना रहे हैं। तो गाइस आप कह सकते हैं कि हम यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। ये देखो ये दिल्ली, ये यूपी, और ये हमारे बंदे जो आगे चल रहे हैं साथ में। तो गाइस आप देख रहे होंगे यार, पहली बार आपने मेरे ब्लॉग में, मतलब पहली या दूसरी बार देखा होगा कि थोड़ा गांव टाइप सा। और ये देखो पूरे खेत ही खेत है भाई, और काफ़ी अच्छी सी वाइब्स आ रही है यहाँ पर। देख सकते हैं मेरे पीछे सारे बंदे चल रहे हैं। और भाई हम जा रहे हैं नहाने के लिए, जमुना जी आगे तो वहीं पर ही नहाएंगे। और ये देखो चारों तरफ भाई हरियाली सी हरियाली हो रही है। तो आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। ये देखो काफ़ी खुला खुला सा एरिया है। तो अपने अपनी कॉलोनी से तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और अच्छी अच्छी खुशबू भी आ रही है यहाँ पर भाई। पेड़ पौधों की मिट्टी की गीली मिट्टी की काफी अच्छा लग रहा है जो। तो भाई आ चुके हैं भाई जमुना के पास, देख सकते हैं यार। गाइस ये गलत बात है यार, कितना कूड़ा कर रखा है देख रहे हैं आप। तो ऐसा यार कूड़ा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, साफ सुथरा रखो हर चीज को। और भाई सारे भाई तो ऊपर पहुंच चुके हैं, तो भाई हम भी चल लेते हैं। वह भाई कैसे कैसे पत्थर रहे हैं। तो लिटरली गाइस आ चुके हैं। तो भाई नहाने का प्लान था, नहाए तो है नहीं हम यहाँ से, चल रहे सीधा टोनी की सीढ़ी। एक बार आए थे देखने के लिए, नहर तो काफी मतलब गंदी सी हो रही है, तो इसलिए हमने मना ही कर दिया नहाने के लिए। अब चल रहे सीधा टोनी की सीढ़ी। ठीक है यहाँ पर ना काफी लिटरली कोयल की आवाज आ रही है, तो अभी आएगी शायद से। ये देखो है कि नहीं, काफी प्यारी लग रही है यार कोयल की आवाज़। तो यार बोल दे थोड़ा सा और। ये देखो दोस्तों आई ना। तो गाइस अभी बैठ चुके हैं रिक्शे के अंदर, आप देख रहे हैं। भाई भाई आगे बैठे हुए हैं, और भाई सारे बंदे जितने भी वो सारे पीछे बैठे हुए हैं। और अभी जा रहे हैं भाई टोनी का सिटी, जहाँ पर बोला था जिनका पारस को दिखाने के लिए, वही जा रहे हैं अभी। तो अब जब तक वो थोड़े से स्पोनेटिक की बजे,